गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर श्रवण बोहरा, लीवर रोग विशेषज्ञ, अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज आपको वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, जो कि 28 जुलाई को मनाया जाता है, के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। मुझे ये जानकर के बहुत खुशी है कि हमारे समाज में डायबिटीज़ के बारे में और हृदय रोग के बारे में जागरूकता बढ़ती जा रही है। लेकिन मुझे ये दुख भी है इस बात का कि हमारे समाज में अभी भी लीवर रोगों के बारे में जागरूकता की बेहद कमी है। और आज मैं अपने इस संवाद के जरिए समाज में लीवर रोगों के बारे में कुछ जागृति पैदा करने की कोशिश करूंगा। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्यों आपके लिए जानना जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि इस दुनिया में 300 मिलियन लोग हेपेटाइटिस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। पूरी दुनिया में 1.3 मिलियन लोग हर साल हेपेटाइटिस रोग की वजह से मौत के शिकार हो जाते हैं, जो कि एक बेहद चिंताजनक विषय है। यानी कि हर 30 सेकंड में एक इंसान हेपेटाइटिस रोग की वजह से मौत का शिकार हो रहा है, जो कि एक बहुत चिंताजनक फिगर है। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस अलायंस ने और दुनिया भर के चिकित्सकों ने और समाज के शुभचिंतकों ने मिलकर के यह एक सपना बनाया है कि इस दुनिया से 2030 तक हम हेपेटाइटिस वायरस को हटा के रहेंगे। यह एक बहुत मुश्किल टारगेट है, लेकिन हम सबको कोशिश करके इसको अचीव करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हेपेटाइटिस वायरस 5 तरह के होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। इस 5 में से ए और ई अलग है। वो इसलिए अलग है कि ए और ई वायरस का संक्रमण खान पान के जरिए होता है और इसको पूरी तरह से रोका जा सकता है अगर अपना खान पान स्वस्थ और सुरक्षित है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। हेपेटाइटिस ए और ई वायरस, अगर अपना खान पान दूषित है तो ये वायरस आपके पेट में चला जाएगा, वहाँ से ये लीवर में चला जाएगा और लीवर में जाकर के ये हेपेटाइटिस रोग पैदा करेगा। इस रोग के दौरान आपकी भूख कम हो जाएगी, आपको हल्का बुखार होगा, आपके पेशाब और आंखों का रंग हल्का पीला हो जाएगा, आपका वजन घट जाएगा, आपको उल्टी हो जाएगी आदि। ये सब लक्षण है हेपेटाइटिस ए और ई वायरस रोग के। अगर ऐसे लक्षण हैं तो आपको चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए और अपने ब्लड की जाँच करवा के देखना चाहिए कि आपको हेपेटाइटिस ए का संक्रमण है या ई का संक्रमण है या कुछ और बीमारी है। और अगर आपको लगातार उल्टी हो रही है, आपका वजन घट रहा है, आपके पेट में दर्द है, आपका खाना एकदम कम हो गया है, तो आपको अस्पताल में एडमिट होकर के अपना इलाज करना चाहिए। नहीं तो हेपेटाइटिस ए और ई वायरस की वजह से करीब 2% रोगियों की लीवर फेलियर से मौत भी हो सकती है। इसलिए हमको इस बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन उपलब्ध है, जो कि अगर बच्चों को छोटी उम्र में लगा दिया जाए तो उनको हेपेटाइटिस ए रोग नहीं होगा, पर हेपेटाइटिस ई का अभी तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ए और ई के अलावा जो दूसरे वायरस है जो कि लीवर में संक्रमण या सूजन पैदा करते हैं, उनका नाम है हेपेटाइटिस बी और सी। हेपेटाइटिस बी और सी और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उससे लंबे समय तक लीवर में डैमेज होता है और आगे जाकर के इंसान का लीवर हमेशा के लिए खराब हो सकता है, जिसको हम सिरोसिस नामक रोग बोलते हैं, जो कि एक लाइलाज सी बीमारी है। हेपेटाइटिस बी और सी रोग से संक्रमण की संभावना उन लोगों को ज़्यादा है जिनको अगर कभी कोई ऐसे इंजेक्शन लगे हैं, कोई ड्रिप चढ़ाई गई है, जो कि स्टराइल नहीं है, या ऐसे नीडल्स जिनको कि रीयूज कर लिया गया है। तो इसमें एक इंसान अगर हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है तो ऐसे नीडल सीरिंज से बहुत सारे लोगों को हेपेटाइटिस बी या सी का संक्रमण हो सकता है। इसलिए व्हेन यू आर गोइंग टू हॉस्पिटल, अगर आप अस्पताल जाते हैं तो आपको ये निश्चित कर लेना है कि जो नीडल सीरिंज वगैरह यूज़ की जा रहे हैं वो टोटली डिस्पोजेबल है। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण अगर हस्बैंड को संक्रमण है तो वाइफ को हो सकता है, और अगर वाइफ संक्रमित है तो उसका संक्रमण हस्बैंड को हो सकता है। माँ से बच्चे में हेपेटाइटिस बी का संक्रमण हो सकता है, इसलिए हर गर्भवती माता को अपना टेस्टिंग करवा के देख लेना चाहिए कि उनको हेपेटाइटिस बी का संक्रमण तो नहीं है। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण जो सड़क पे टैटू करते हैं उसमें नीडल को, अगर एक ही नीडल को बार बार यूज़ किया जाए तो हेपेटाइटिस बी का संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति से बहुत सारे लोगों को हो सकता है। हेपेटाइटिस सी का संक्रमण, अगर आपको कुछ ब्लड प्लाज्मा या प्लेटलेट चढ़ाए गए हैं और वो प्रोडक्ट अगर बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, अगर उनको हेपेटाइटिस सी के लिए ठीक से चेक नहीं किया गया है, तो आपको हेपेटाइटिस सी का संक्रमण हो सकता है, बी का संक्रमण भी हो सकता है। तो ऐसी हालत में आपको अपना ब्लड टेस्ट करवा के देखना चाहिए कि कहीं आपको इस रोग का संक्रमण तो नहीं हो गया है। क्या है इलाज इन रोगों का?
हेपेटाइटिस बी और सी के इलाज के लिए काफ़ी प्रभावी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। हेपेटाइटिस बी के लिए एंटाकावीर टिनोफोवीर नाम की दवाइयाँ उपलब्ध है। ये दवाई लेने से 6 महीने के अंदर इस वायरस को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसका इलाज काफ़ी लंबा चलता है। इसी तरह से हेपेटाइटिस सी रोग के लिए काफ़ी प्रभावी दवाइयाँ उपलब्ध है और ये दवाइयाँ लेने से 3 महीने के अंदर आपका हेपेटाइटिस सी वायरस से पूरी तरह से पीछा छुड़ाया जा सकता है। अगर आपको ऐसा संक्रमण है तो आपको तुरंत अस्पताल की शरण में जा करके अपने ब्लड की जांच करवानी चाहिए। एक SGPT नामक ब्लड की बहुत छोटी सी जांच होती है जो 200-300 रुपये में छोटी छोटे से कस्बे में भी की जा सकती है। और अगर आपका SGPT ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर से मिलके उसकी जांच करवानी चाहिए कि आपका SGPT क्यों ज़्यादा है। और फिर अगर ज़रूरी होता है तो हम हेपेटाइटिस बी और सी की जांच करके ये कंफर्म करेंगे कि आपको कहीं इस वायरस का संक्रमण तो नहीं है। कैसे रोकथाम हो सकती है इस वायरस की? अगर आपको हेपेटाइटिस बी वायरस से बचना है तो इसका टीका उपलब्ध है। आजकल WHO की तरफ से सब नवजात बच्चों को इस वैक्सीनेशन की सलाह दी जाती है और अगर ये वैक्सीन ले लिया जाए तो हेपेटाइटिस बी का संक्रमण कभी नहीं होगा। हेपेटाइटिस सी के लिए अभी कोई टीका उपलब्ध नहीं है। और हाँ, हेपेटाइटिस बी और सी के वायरस के संक्रमण से आगे जाकर से लिवर सिरोसिस तो होता ही है, बल्कि कुछ लोगों में लिवर कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए ये एक गंभीर रोग है। और अगर आपका लिवर हमेशा के लिए डैमेज हो जाता है तो फिर आपको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी पड़ सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत खर्चीला प्रोसेस है और हर इंसान के लिए यह इलाज संभव नहीं है। तो मुझे आपको यही कहना है कि आपको आगे आकर के अपनी जांच करवानी चाहिए कि कहीं आपको हेपेटाइटिस बी और सी का संक्रमण तो नहीं है, और अगर है तो उसका इलाज लेना चाहिए क्योंकि ये इलाज बेहद इफ़ेक्टिव है और आप एक बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। धन्यवाद।